हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन जीएसटी। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक रूम बनाने का स्कूल में। ठीक है, जो स्कूल की बिल्डिंग होती है उसमें आपको एक छोटा सा रूम बनाना है, उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट करके सामने वाली पार्टी को देना है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रोसीजर होता है, उसका ITC का रूल क्या होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको तो बताइए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, GST एक्टिवेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले F3 दबा के GST को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक एक्टिवेशन करना होगा क्योंकि हमको बनाना है गोडाउन। ठीक है, तो गोडाउन के लिए हमको एक्टिवेशन करना होगा। उसके लिए हम यहीं पर ही आ जाएंगे इन्वेंटरी फीचर्स में। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, F11 दबाना है और आपको दबाना है F2। F2 दबाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मल्टीपल लोकेशंस या तो मल्टीपल गोडाउन, उसको येस कर देना आपको और एक्सेप्ट कर देना स्क्रीन को आपको। इसको एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका यही रहेगा कि आपको बनाना है गोडाउन। लोकेशंस एंड गोडाउन दोनों सेम है, आप जाएंगे क्रिएट पे। तो सबसे पहला जो गोडाउन आपको बनाना है वो जहाँ पे आपका वर्क चल रहा है, मतलब अभी स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल के आसपास ही आप गोडाउन बनाओगे ताकि आप अपना जो मटेरियल्स रहेगा वो वहाँ पर रख सकें। तो मैं उस स्कूल के नाम से ही गोडाउन बनाऊँगा यहाँ पर। ओके, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे बना दिया CGS स्कूल साइट, ये स्कूल का नाम है। तो वहाँ पे मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट जो मिला वो स्कूल का, तो वहीं पर ही मेरा एक छोटा सा गोडाउन है जहाँ पे मुझे अपने मटेरियल रखने हैं। तो इसलिए मैंने ये गोडाउन बनाया CGS स्कूल साइट, जिसका अंडर जो है वो आपका प्राइमरी रहेगा। एंड दोनों ऑप्शन को आपको नो करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये गोडाउन में हम अपने सारे गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप सबसे पहले काम कीजिए कि आप अपने स्टॉक आइटम्स बना लीजिए, जो आपको स्टॉक आइटम्स लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, स्टॉक आइटम्स, एंड यहाँ से हम क्या ले लेंगे, क्रिएट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या लग सकता है, ब्रिक्स, BRICK ब्रिक्स लिख दिया आपने अंडर प्राइमरी। उसका यूनिट्स क्या रहेगा, ऑफकोर्स नॉस रहेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली यूनिट्स ऑफ मेजर कैसे बना सकते, Alt+C दबा के। ठीक है, Alt+C, यहाँ से आप Alt+C दबाइए, नॉस, और यहाँ पे भी नॉस। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको जाना है GST डिटेल्स में और यहाँ पे आपको लिखना है ब्रिक्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1-2 ऑन वैल्यू टैक्सेबल, एंड इसका रेट हम डाल देंगे, मान लीजिए इसका मैंने रेट डाल दिया 5%। ठीक है, और इसे को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, टाइप ऑफ सप्लाई रहेगा आपका गुड्स। नेक्स्ट बनाएंगे हम सीमेंट। ठीक है, अभी सीमेंट जो रहेगा उसका यूनिट्स ऑफ मेजर भी आप Alt+C करके एक नया बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया बैग। ठीक है, बैग्स रहेगा, सीमेंट बैग्स में आता है, इसलिए मैंने इसका बैग्स बना लिया। और उसके बाद सेट अल्टर अगेन येस, सीमेंट लिख दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे डाल दिया ऑन वैल्यू टैक्सेबल, एंड इसका रेट मैंने डाल दिया मान लीजिए 28%। गुड्स, उसके बाद आयरन एंड स्टील ले लिया मैंने। उसके बाद इसका मैं ले लूँगा टर्न्स, तो टर्न ले लिया ने टी। ठीक है, और इसके बाद इसका भी मैं क्या करूँगा, सेट अल्टर को यस करके आयरन एंड स्टील और ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और इसका रेट मैंने डाल दिया 18%। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई क्या रहेगा इसका भी, गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो ले लूँगा मैं सैंड, रिवर सैंड। ठीक है, रिवर सैंड लेने के बाद इसका भी सेम एंड अंडर प्राइमरी, और रिवर सैंड का भी आपको जैसा चाहिए उसका यूनिट ऑफ मेजर ले सकते हो, मैंने इसका भी टन्स में ले लिया। ठीक है, उसके बाद इसको येस किया, और यहाँ पे टैक्सेबल में इसका मैंने रेट डाल दिया 5%। ओके, गुड्स। जो लास्ट अभी मैं एक बनाऊँगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, CGS बिल्डिंग। अब आपके मन में एक ये क्वेश्चन उठा होगा कि ये कौन सा स्टॉक आइटम है। बराबर, स्टॉक आइटम तो हमेशा वो हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं
उससे रिलेटेड होता है, तो ये तो नाम है स्कूल का, तो ये क्यों बन रहा है? एक्चुअली ये स्टॉक आइटम में मैं गुड्स नहीं, इसको सर्विस लूँगा, ठीक है? और ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये आपको मैं आगे जाके बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? इसका प्राइमरी लिया, इसका भी मैंने ले लिया नॉस, ओके? और नॉस लेने के बाद इसको भी मैंने यस किया, और यहाँ पे मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ऑन वैल्यू टैक्सेबल, एंड इसका भी रेट ले लिया मैंने 18%। इसको आपको डालना सर्विस में, ठीक है? मैं आपको आगे जाके इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, सिंपल हमको लेजर्स क्रिएट करना है, तो मैं लेजर्स बनाऊँगा। सबसे पहला लेजर, यहाँ पे सबसे पहला जो लेजर आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है बालाजी, या तो आपको जिसका भी नाम का पार्टी का लेजर बनाना है बना सकते हो, ठीक है? जो पार्टी से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करके शो करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने एक लेजर बना दिया रमेश, उसके बाद ट्रेडिंग, ठीक है, रमेश ट्रेडिंग बना दिया। अब इससे मैं ख़रीद रहा हूँ तो इसका अंडर क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बाकी सब चीज़ आपको पता ही है। यस करके यहाँ पे GST टिन नंबर आपको डालना है और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट लेजर आप लोग बनाओगे लेबर चार्जेस, ठीक है, जो लेबर चार्जेस लगेगा, उसके बाद इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपके लिए तो खर्चा ही है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद सारे GST के जो ऑप्शन है उसको आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद इसे भी आपको एंटर करके एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट लेजर आप लोग बनाएंगे परचेज अंडर परचेज अकाउंट एप्लीकेबल नो, एंड इसको आपको गुड्स लेके एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट एक लेजर आप लोग बनाओगे सेल्स वर्थ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, अंडर सेल्स अकाउंट डालना है और इसका एप्लीकेबल नो लेके आपको सर्विस लेना है, ठीक है? याद रखिएगा आपको इसका सर्विस लेना है, गुड्स नहीं लेना है, ठीक है? परचेज में आपको गुड्स लेना है लेकिन इसमें आपको क्या लेना है, सर्विस लेना है, ठीक है? नेक्स्ट CGS स्कूल जिसने हमको कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, मैं उसको देने वाला हूँ, ठीक है, मैं उसको सब माल करके सप्लाई अपना जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट उसको बना के बेचूंगा, मतलब दूंगा, एक तरफ से वही बेचना ही हुआ ना, सेंट्रिक डेटर वो हमारे कस्टमर है, उन्होंने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उनका आ जाएगा यस। और यहाँ पे सेम थर्टल जस्ट डिटेल यस, और यहाँ पे और कंट्रोल भी एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सारे लेजर्स हमारे बन चुके हैं, ओके, आप देख सकते हैं। और ये जो रमेश ट्रेडिंग है इनसे हम क्या करने वाले हैं, हमारे जितने भी ये जो रमेश ट्रेडिंग है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी स्टॉक आइटम्स जो हमको लगेंगे, ठीक है, वो हम इनसे क्या करेंगे, परचेज करेंगे, ओके? ये हमारा एक पार्टी है जिससे हम क्या करने वाले, सारे स्टॉक आइटम परचेज करने वाले। अच्छा, कुछ लेजर्स और आपको क्रिएट करेंगे टैक्स के, जैसे कि CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, के बाद SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, और लास्ट में एक लेजर और आपको बनाना है टैक्स ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अभी ये क्यों बना रहे हैं हम लोग ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा, मैं आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना आपको इसका, और इसमें भी GST नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, हमारी परचेज की एंट्री पास करेंगे, ठीक है? अब हम रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे, गो टू अकाउंटिंग वाउचर एंड F9 से हम क्या करेंगे परचेज। यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिख दिया बिल 1, और उसके बाद यहाँ पे पार्टी नेम हमारा क्या है जिससे आप ये परचेज करने वाले हैं, वो है रमेश ट्रेडिंग परचेज। सबसे पहले तो मान लीजिए मैं ख़रीद रहा हूँ ब्रिक्स, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन पूछेगा, तो ये मेन लोकेशन, ठीक है, ये मेन अपने मैं मेन लोकेशन में रखने वाला हूँ इसको। क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी क्या रहेगी इसकी, मान लीजिए कि मैंने इसकी जो क्वांटिटी थी वो यहाँ पे मैंने ले लिया, और इसका जो क्वांटिटी मैंने ले लिया है, ठीक है, ये मुझे मान लीजिए कि चाहिए 1000, और यहाँ पे मैंने इसका रेट ले लिया 4, ठीक है, एंटर कर देंगे। अच्छा, ये जो रेट है ना ये मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ, ठीक है, इसका हो सकता है जो ओरिजिनल रेट्स हो वो कुछ और ही हो, अलग हो, तो आप जब ओरिजिनल इसकी एंट्री करेंगे तो आप उसी हिसाब से डाल दीजिएगा इसका। रिवर्स हैंड मैंने ले लिया, मेरी लोकेशन में मुझे रखना है। क्वांटिटीज़ की मैंने ले लिया 510 और इसका रेट डाल दिया 500। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने स्टॉक आइटम लिया वो लिया आयरन एंड स्टील, लोकेशन सेम, इसका मैंने मेन लोकेशन
इसकी जो क्वांटिटी ली मैंने वो ले लिया 10, और रेट इसका मैंने डाल दिया मान लीजिए 650। नेक्स्ट जो मैंने लिया वो ले लिया सीमेंट, और इसका भी मैंने ले लिया मेन लोकेशन, क्वांटिटी मैंने डाल दी इसकी 30, और रेट मान लीजिए डाल दिया मैंने 310। ठीक है, तो ये क्या किया है, मैंने अपने स्टॉक आइटम तैयार कर लिए, अपने मेन लोकेशन में डाल दिया है ना। अब यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं, CGST, एंड नीचे क्या लगा दूँगा मैं, SGST। एंटर करके इसे मैं क्या कर दूँगा, एक्सेल। ठीक है, अब ये सारे स्टॉक आइटम्स कहाँ हैं आपके, आपके लोकेशन में। ठीक है, अब ये मुझे अपने लोकेशन से ट्रांसफ़र करके जहाँ पे मेरा वर्क चल रहा है, जहाँ पे मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यानी CGS स्कूल बिल्डिंग, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको गुड्स को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको देख लिए, इन्वेंट्री वाउचर, यहाँ पे आपको मिलता है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। लेकिन यहाँ पे ना इस प्रोसीजर में ना आपको एक एक करके ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे पहले आपको 4 स्टॉक आइटम लेने होंगे, फिर यहाँ पे आपको 4 स्टॉक आइटम का ट्रांसफ़र करना होगा। तो एक वे मैं बताता हूँ जिससे आप ये शॉर्टकट आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक वाउचर क्लास बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, और उसके बाद आपको जाना है क्रिएट, यहाँ पे आप लिख दो ट्रांसफ़र गोडाउन। ठीक है, ट्रांसफ़र गोडाउन लिखने के बाद उसके बाद उसका अंडर ले लो स्टॉक जर्नल। ठीक है, आपको उसका अंडर क्या लेना है, स्टॉक जर्नल। नेम ऑफ क्लास में आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र लिखोगे, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रांसफ़र। यूज़ क्लास फॉर इंटर लोकेशन ट्रांसफ़र, येस, और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप वापस से जाना है आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको प्रेस करना है Alt F7। Alt F7 दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफ़र गोडाउन, जो आपने बनाया था वो ट्रांसफ़र गोडाउन का ऑप्शन ले लीजिए, क्लास में ले लीजिए ट्रांसफ़र। सी, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल इंटर लोकेशन। ठीक है, अब ये आपका जो मेन लोकेशन था वो सेलेक्ट हो चुका है, आपको बार बार वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनेशन गोडाउन में आपको इसको डालना है CGS स्कूल साइट में, तो आप वो ले लेंगे। देखिए, अब नेम ऑफ द आइटम पूछेगा, ब्रिक्स। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली, अभी मेन लोकेशन में। ठीक है, अब हमारे पास था 10,000 ब्रिक्स, मैंने बोला भाई 5,000 में काम हो जाएगा ब्रिक्स में, तो मैंने 5,000 ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद रिवर्स एंड ले लिया मैंने, रिवर्स एंड सेम मेन लोकेशन में था वो, और उसका हमने 5 टन। उसके बाद नेक्स्ट आयरन एंड स्टील, सेम मेन लोकेशन, उसके बाद इसका भी 5 टन। उसके बाद लास्ट में मैंने ले लिया सीमेंट, और इसका भी सेम मेन लोकेशन, और इसका ले लिया मैंने 30 बैग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या हो गई, आपका ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, आपके जो मेन लोकेशन थी वही थी, और वो ट्रांसफ़र किस में किया आपने, CGS स्कूल साइट में। ठीक है, जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तभी आपका वहाँ पे मटेरियल्स पहुँचेगा, और वहाँ से आप फिर अपना वर्क स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, नरेशन आपको यहाँ पे लिखना है, तो फिर आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम डेस्टिनेशन, सॉरी, बीइंग गुड ट्रांसफ़र फ्रॉम मेन लोकेशन टू CGS स्कूल साइट। उसके बाद अभी आपका क्या हो चुका है, गुड्स ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, अब वो सारे जो हमारे रॉ मटेरियल्स है उन्हें हमें बिल्डिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो रूम है उसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी वापस आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा। उसके लिए अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, उसके बाद आप यहाँ पे करोगे क्रिएट, यहाँ पे आप लिखोगे प्रोसेसिंग, क्योंकि आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है, प्रोसेसिंग जर्नल। उसके बाद अंडर आप इसका डाल दो स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल डालने के बाद यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को आप क्या लिख दोगे, यस। ऐसा करने के बाद आप इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट स्टेप, गो टू अकाउंटिंग वाउचर, प्रेस Alt F7। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, और आपको यहाँ से क्या ले लेना है, सिंपली प्रोसेसिंग जर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोडक्ट में आपको देखिए, यहाँ पे हमने ये जो बनाया था ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट CGS बिल्डिंग, ये लेना है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने क्यों बनाया था, ये मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट CGS बिल्डिंग इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे बिल्डिंग तैयार करनी थी,
कि एक जो रूम है उसको बनाने के लिए क्या चीज़ कितना लगने वाला है ना, तो इसके लिए मैंने ये एक नेम ऑफ़ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ़ द प्रोडक्ट इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क ऑन रहा है सीजेज बिल्डिंग, है ना। ये तो आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट क्या है सीजेज, आपको बिल्डिंग जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो आपको क्रिएट करना है, वो रूम आपको क्रिएट करना है, इसलिए मैंने ये लेजर शॉप आइटम बनाया था और उसका अंडर सर्विस चला था। लोकेशन, अब ये लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन आपका कौन से साइट रहेगी, आपका सीजेज स्कूल साइट रहेगी। क्वांटिटी, ठीक है, आप क्वांटिटी मान लीजिए आपको एक का तैयार करना है ना, तो आप वन ही लिखेंगे। नेम ऑफ द आइटम अगेन, यहाँ पे ले लिया आपने ब्रिक्स, और ब्रिक्स में आपका जो स्कूल साइट वही रहेगा सीजे स्कूल साइट। क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम 5000। उसके बाद नेक्स्ट आप ले लेंगे रिवर्स एंड, सेम। उसके बाद क्वांटिटी 5 टन, और जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका रहेगा आयरन एंड स्टील, ठीक है, सेम सीजीएस, और क्वांटिटी रहेगा सेम 5। और इसका जो नेक्स्ट रहेगा सीमेंट, उसके बाद सेम इसका 30 बैग्स, और यहाँ पे आपका टोटल जो है एक स्कूल, एक जो आपका रूम है, ठीक है, वो बिल्डिंग में रूम बनाने के लिए क्या चीज़ कितना लगेगा वो आपने यहाँ पे तैयार कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपकी तैयार हो चुकी है, और उसके बाद मान लीजिए कि आपका कोई लेबर चार्जेस इसमें आपको इन्वॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे वो लेबर चार्जेस का जो हमने लेजर बनाया था वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट आपको जितना डालना है, मान लीजिए आपका 25,000 का खर्चा हुआ लेबर चार्जेस, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे मेंशन किया, सॉरी ओके तो यहाँ पे हमने डाल दिया हमारा लेबर चार्जेस 25,000, और जो आपका जो ब्रिक्स था वो याद रखना आपको 500 नहीं आपका 5,000 था, तो जितना आपने ट्रांसफ़र करवा के रखा है उतना ही आपको यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो 500 तो नहीं आपको 5,000 ही चाहिए ना, जितना आपने डिसाइड करके रखा है, ट्रांसफ़र करके रखा है, उतना ही आपको एक साइट बनाने के लिए लगेगा। तो यहाँ पे आपने 5,000 लिया, और ये स्क्रीन में एंटर करके यहाँ पे लेबर चार्जेस आपने 25,000 जो आपको खर्चा हुआ है वो डाल के एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दे, यहाँ पे आपका टोटल खर्चा आ जाएगा 60,050 पर नॉस, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे इसको। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको बनाना है हमारा सेल्स इनवॉइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेल्स इनवॉइस बनाएंगे, तो एफिट सेल्स, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लीजिए सेल्स बिल, और ये सेल्स बिल आपको किसको देना है, जो आपका सब खर्चा हुआ आप देंगे किसको, सीजे स्कूल को। उसके बाद आप यहाँ से लेंगे सेल्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अब जो नाम है वो क्या रहेगा आपका, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सीजेस बिल्डिंग, ठीक है, एंड इसको आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो इसका लोकेशन क्या था, सीजेस स्कूल साइट था लोकेशन। क्वांटिटी आपको पूछ रहा है, तो क्वांटिटी आपने डाल दिया 1, फिर यहाँ पे पूछेगा रेट, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर बंदे ने बोला कि टोटल जो बिल है वो होना चाहिए 1,20,000 का, क्या होना चाहिए, 1,20,000 का टोटल बिल होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1,20,000 टोटल फिगर यहाँ पे देखिए, ये जो टोटल फिगर आपका यहाँ पे नीचे आता है ना, यहाँ पे 1,20,000 टोटल आना चाहिए, तो उसके लिए यानी जो आपका बिल होगा उसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होना चाहिए, समझ में आ रहा है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको F12 दबाना होगा, ठीक है। F12 दबा के सबसे पहले तो आप अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव फॉर टैक्स ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम को आप येस कर दो, इसको येस करने के बाद अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST इसको भी येस कर दो। जैसे आप यहाँ पे येस करोगे ना इसको, तो देखो यहाँ पे आपको रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखते हैं आपको यहाँ से आपको फ़र्क पता चल जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से लिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट सीजेस बिल्डिंग 1 नॉस, अभी यहाँ पे पूछा है रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे रेट डाला 1,20,000, एंटर किया, तो देखिए ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे 1,20,000 डाला और बिल देखिए उसने अपने आप कैच कर लिया, रेट कितना लिया उसने 1,00,000, उसके बाद 1,694.92 पैसा, ठीक है। उसके बाद CGST, उसके बाद SGST। अब आप नीचे गौर करेंगे तो आपका 1,20,000 का शो हो चुका है आपको, ठीक है। एंटर करके इसे हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब याद रखिए कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जॉब वर्कर को जो ITC होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट,
वो नहीं मिलता है, वो क्या, वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आपको तो पता ही, जब आप परचेज करते हो टैक्स गवर्नमेंट को पेड हो जाता है, उसका फुल रिटर्न आपको ITC मिलता है। लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा केस है जिसमें आपको ITC नहीं मिलता है। अगर आप अपना परचेज बिल खोल के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो टैक्स अमाउंट आपको आ रहा है 294.50, ये आपको आपके जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जितना आपको मिलने वाला है, जो आपको बताता है, वो आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इवन अगर आप रिपोर्ट्स में अपने जाएंगे तो देखिए डॉक 3B में, DOG 3B में यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एलिजिबल ITC, ठीक है, 294.50, तो ये आपको यहाँ से हटाना है, ये आपको नहीं मिलना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, गो टू अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है, F7 जर्नल में आके Alt J प्रेस करेंगे, या तो आप ये वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप जो एंट्री में आपको शो करा रहा था अभी, वहाँ पे भी आप जाके यहाँ पे अप्लाई उसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या प्रेस करेंगे, Alt J में आप लेंगे GST रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे आप, और यहाँ से आप जो भी आपको लेना ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल ले लिया इसको नॉट एप्लीकेबल। डेबिट में आप लेंगे टैक्स ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो जो हमारा था अमाउंट 294.50, अगर आप उसको ऐड करेंगे तो वो आएगा 5899, ठीक है। क्रेडिट में आप ले लेंगे इसको CGST, आपका अमाउंट कितना रहेगा 249.50, और उसके बाद SGST सेम 2949.50, और उसके बाद SGST भी सेम रहेगा आपका 2949.50, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस एंट्री से क्या हो गया, अभी हमारा टैक्स क्या हो गया, और रिवर्स हो गया। आप देख सकते हैं SGST में भी आपका जो सेल्स का वैल्यू था, सेल्स का टैक्स था 18,000 के आसपास, वही अमाउंट आ रहा है। आप इसे एंटर करके सिंपली एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये जो टैक्स ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट का लेजर मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे मालूम था आगे जाके जो मेरा टैक्स आएगा उसमें मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लेजर बना के रखा था। अब अगर आपने रिपोर्ट्स में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका जो ITC था, देखिए एलिजिबल ITC से अब हट चुका है। आप इसे डिटेल्स में जाके चेक कीजिए। अब डिटेल्स में आके अगर आप देखेंगे तो ये ITC रिवर्स में आ चुका है, देखिए, ठीक है, समझ में आया। और अब जब आप अपना बैलेंस शीट में आके Alt F1 दबाएंगे, ठीक है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज आप चेक करेंगे, ये है आपका 18,305.08, ये आपका सेल्स टैक्स है, सेल्स करते वक्त जो आपका टैक्स लगा था ना, ये वो अमाउंट है, ओके। तो ये अमाउंट हमें सिंपली गवर्नमेंट को पे करना है, तो गो टू अकाउंटिंग वाउचर, F5 पेमेंट, Alt S, GST, जो भी आपको डेट लेना है आप यहाँ पे डेट ले सकते हैं, रेगुलर, यहाँ पे कैश या बैंक जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, मैंने कैश ले लिया। CGST कितना अमाउंट आपका 9152.54, और इसके बाद SGST भी सेम 9152.54, एंटर करेंगे, इसे एंटर करेंगे, प्रोवाइड GST डिटेल को आपको यस करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसका एंटर करके आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जब आप अपना बैलेंस शीट चेक करेंगे, Alt F1 दबाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे नील दिखाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।